नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज, सच्चाई के साथ। विधानसभा यमकेश्वर के अंतर्गत ब्लॉक प्रमुख द्वारिखाल द्वारा अभी तक 1500 बच्चों को गोद लिया है, जिनकी शिक्षा का जिम्मा ब्लॉक प्रमुख द्वारिखाल ले लिया है। वहीं यमकेश्वर विधानसभा के ब्लॉक द्वारिखाल यमकेश्वर में छात्र छात्राओं को शिक्षण सामग्री वितरित की और अब दुगड्डा ब्लॉक में शिक्षण सामग्री वितरण का कार्यक्रम जारी है, जिसके तहत ब्लॉक प्रमुख द्वारिखाल महेंद्र राणा ने विकासखंड दुगड्डा के राजकीय इंटर कॉलेज मटियाली व राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हनुमती में जाकर निर्धन मेधावी छात्र छात्राओं को अध्ययन सामग्री वितरित की और एक साल की फीस का वहन करने का निर्णय लिया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने कहा कि कोरोना काल के बाद सभी लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, जिसके तहत ब्लॉक प्रमुख द्वारिखाल महेंद्र राणा ने विकासखंड दुगड्डा के राजकीय इंटर कॉलेज मटियाली व राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हनुमती में जाकर निर्धन मेधावी छात्र छात्राओं को इसलिए मैंने यह निर्णय लिया कि कोई भी छात्र अपनी शिक्षा से वंचित न रहे, इसलिए विधानसभा यमकेश्वर में निर्धन मेधावी छात्र छात्राओं को शिक्षण सामग्री व एक साल की फीस का कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत दुगड्डा ब्लॉक में जिन बच्चों को मैंने गोद लिया है, उनसे वार्ता करके, हमारे गुरुजनों से वार्ता करके, किस तरह से उनके सुझाव और किस तरह से हम बच्चों का भविष्य और अच्छा बना सकते हैं, किस तरह से बच्चों के लिए और अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, किस तरह से उनको और जागरूक कर सकते हैं, उनके सुझाव लेके किस तरह से उनके साथ हम और मजबूती से कर सकते हैं। आज जो प्रोग्राम है दुगड्डा ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज मटियाली और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हनुमंती, दोनों विद्यालयों में मेरे विद्यार्थियों से और उन बच्चों से मुलाकात है और आगे हम किस तरह से हमारा यमकेश्वर विधानसभा शिक्षित होगा और विकसित होगा। युवा बेरोजगार है, परेशान है, इस विषय में हम सब वार्ता करेंगे और युवाओं से किस तरह से हम अपने क्षेत्र को एक विकसित यमकेश्वर बना सकते हैं। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।